ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବନିଲେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ। ମେୟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଖିଲା ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକିର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ 4ଟିଯାକ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ 2ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯୁଗରାଜ ସିଂ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ ସିଂ 2ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରାଜୟ ସହ ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବ ଟିମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କୋଚ। इसके लिए तैयारी की हमने, इससे पहले जो मैचेस थे उसको हमने मैच बाय मैच खेला और पाकिस्तान का जो लास्ट पूल मैच था हमें इसके लिए हम तैयार थे, तो मुझे लगता है कि हमने इसके लिए प्रिपरेशन काफी अच्छा किया था, तो आज आपके सामने रिजल्ट है। इस बार सर हमारे फील्ड गोल भी होंगे और हमारे शॉर्ट कॉर्नर के गोल भी होंगे, ये हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फाइनल एग्जीक्यूशन टीम में चाहे वो शॉर्ट कॉर्नर हो चाहे फील्ड गोल हो तो उसको हम उसके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। बिलीवेबल सर, जैसा उड़ीसा में एटमॉस्फेयर था सेम वैसे ही एटमॉस्फेयर है सर। आई थिंक इंडिया के फैंस बेस्ट हैं। इंडियन कैप्टन इज वेरी इम्प्रेसिव इन द वर्ल्ड, बड़ी तेजी से जिस तरह गोल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सोहेल अब्बास का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, एशियन गेम जो है हमारे पूल में इंडिया और जैपनीज है और मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ ग्रे एरियाज हैं हमारे उसमें अगर हम काबू पाए तो हम एशियन गेम में सेमीफाइनल में एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। जापान सह टीम इंडिया परवर्ती चैलेंज लीग पर्यायर भारत जापान विपक्ष मैच ड्र होता। जापान विपक्ष मैच में भारतीय दल प्रदर्शन को नहीं अनेक प्रश्न उठाई विशेषज्ञ, विशेषकर भारत को 15 पेनाल्टी कर्नर मिलता बेले भारत मात्र गोटे गोल कर जापान विपक्ष सेमिफाइनाल से भूल पुनरावृत्ति नक स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करे अधिनायक और कोच। आई थिंक हमें पता है कि कौन कौन से वो एरिया हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है एंड सेम है कि जो भी चाहे फील्ड गोल है चाहे पीसी का गोल है जो चांसेस मिलेंगे एंड स्कोर बोर्ड प्रेशर जो हमारा काफी मायने रखता है और अगर जो भी स्टार्टिंग में हमें चांसेस मिलते हैं आई थिंक वो हम कन्वर्ट करें तो आई थिंक जो मैच अच्छा रहेगा हमारा। Well, we had a game plan and we stuck to it and like I said the objective was to score early and we did and then it really was difficult for them because the more they came and pushed out the more we could dictate the game and that happened. So I think we played a good game, a structured game and in the fourth quarter we were pushing nicely and we missed a few chances but I think it was a good, a fair result at the end of the day. ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖଚାଖଚ ଭରିଥିଲା ମେୟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।